मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात तक। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव रूपड़ाका के अंदर। रूपड़ाका गांव में आज कृष्ण पाल गुज्जर आकर पहुँचे हैं, जिनका रूपड़ा के गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया और कुछ भेंट भी दी। साथ ही साथ नूह से चौधरी जाकिर भी वहाँ मौजूद रहे। कृष्ण पाल गुज्जर ने रूपड़ा का गांव में जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराने में पूरा योगदान दिया, उनको कृष्ण पाल गुज्जर जी ने बार बार नमन भी किया। कृष्ण पाल गुज्जर जी ने कहा कि मेवात एक शहीदों की धरती है, यहाँ शहीदों ने लगातार आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कृष्ण पाल गुज्जर जी ने कहा कि मेवात की ये जनता हर एक ऐसे आंदोलन में भाग लेती है जो देश के हित के लिए होता है, और मेवात के उन शहीदों ने देश को आज़ाद कराने में पूरा पूरा योगदान दिया। पर साथ ही साथ कृष्ण पाल गुज्जर जी ने यहाँ के लोगों से अपील की कि आपको घर घर तिरंगा लगाना है। तो फिलहाल हम सुनते हैं कि कृष्ण पाल गुज्जर जी क्या कहते हैं। मेरे छोटे भाई सैयद हुसैन जी, हमारे इलाके डीसी श्री कृष्ण कुमार जी, एडीसी श्री उत्तम जी, एसडीएम श्री लक्ष्मी नारायण जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, आदरणीय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको जो पूरा देश स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और गांव के 425 लोगों ने जो शहादत दी, आज उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको करता हूं। ऐसे शहीदों के कारण ही ये देश आजादी की सांसें ले रहा है। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेवात का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस देश की राजनीति में मरहूम सैयद हुसैन जी के नाम को कौन भूल सकता है, जो पूरा जिले फरीदाबाद के नहीं कभी एक जिला होता था, पर देश के प्रमुख नेताओं में वो एक रहे। कोई तो इलाके का अपना इतिहास है, बारिश हो रही है, लंबा टोला भाषण देने के लिए आया। आज खास तौर से मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, जिनको हर वर्ष हम 19 तारीख को श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश में ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है। मैं चौधरी रफीक अहमद जी से अनुरोध करूंगा, आप आए और माननीय मंत्री महोदय जी का आप स्वागत करेंगे। चौधरी रफीक अहमद जी, हाँ। इसके बाद में हमारे जो सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं पड़ोसी गांव से, सरपंच मकसूद जी, सरपंच साहिर जी, सरपंच नरेश जी, सरपंच हकमू जी, और इस गांव के सरपंच मोहम्मद हुसैन जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपके साथ जो भी टीम है, हमीदा ठेकेदार जी, दीपक चौधरी जी, जो भी गणमान्य जन यहाँ आपके आए हुए हैं, आप सभी बारी बारी से माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपनी जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपनी गरमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जोरदार तालियों से साथ माननीय मंत्री महोदय जी।